नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की। मानव तंत्र का पांचवा भाग हम पढ़ रहे हैं, श्वसन तंत्र। अगर दोस्तों मानव तंत्र के बाकी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों पढ़ते हैं श्वसन तंत्र और जानते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, ये एक डायग्राम है श्वसन तंत्र का। इस श्वसन तंत्र क्या होता है, यह क्यों आवश्यक है, इन बातों को हम जानेंगे। इससे पहले इसका एक व्यू देखिए आप। तो दोस्तों आओ अपन बात करते हैं श्वसन तंत्र की। दोस्तों श्वसन तंत्र क्या होता है और यह क्यों आवश्यक है, अपन को पता है अपनी कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए उनके अंदर ऑक्सीजन का जाना बहुत जरूरी है। और यह ऑक्सीजन वायुमंडल द्वारा नाक एवं मुख द्वारा ली जाती है। और फेफड़ों का कार्य है कि शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करना और कार्बन डाइऑक्साइड को मुख या नाक द्वारा बाहर निकालना। दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना ही श्वसन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। देखो दोस्तों, श्वसन तंत्र को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि इसको आसानी से किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है एवं याद किया जा सकता है। तो दोस्तों श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऊपरी श्वसन तंत्र है, ऊपरी श्वसन तंत्र है। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात निचला श्वसन तंत्र। दोस्तों इसको दो भागों में बांटने से हम इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंगों को हम पढ़ते हैं, देखो दोस्तों सबसे पहला है नाक, नोज। ये है जो नाक है यहां से और यहाँ पे एक गले तक श्वास को ले जाने वाली एक नलिका होती है, उसको बोलते हैं नासाग्रसनी। उसके बाद में मुख द्वारा सांस अगर लेते हैं हम तो उसको बोलते हैं मुख ग्रसनी। और यहाँ पे कंठ होता है तो इसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी। और इन सबको, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं नासाग्रसनी। इसके तीन भाग होते हैं। अब दोस्तों तीसरा है उपास्थि। ये क्या होते हैं, ये देखो सी शेप में बने हुए कार्टिलेज, कार्टिलेज होते हैं उपास्थि। उपास्थि से तात्पर्य यह है कि यह एक लचीली हड्डी होती है, अर्थात इसको तोड़ा भी जा सकता है। यह होती होती हड्डी की जैसे है लेकिन इसको तोड़ा भी जा सकता है और यह हड्डी जितनी कठोर नहीं होती। और कार्टिलेज दोस्तों पांच प्रकार के होते हैं। कार्टिलेज के बारे में अधिक जानने के लिए हमें कमेंट करें, हम आपको अवश्य ही बताएंगे। दोस्तों गले में होता है वो श्वसन नली के ऊपर होता है और इनका कार्य श्वसन नली को चिपकने से रोकना होता है। समझ गए आप कार्टिलेज क्या होते हैं। इसके बाद में आता है स्वर यंत्र। अपन जो बोल रहे हैं वो कहां से बोला जाता है, वो बोला जाता है गले से। कहां से, गले से। यहां पर एक स्वर यंत्र होता है जो कंठ ग्रसनी के नीचे और श्वसन नली के ऊपर बीच में होता है और उसका कार्य होता है कि श्वास लेते और बाहर निकालते समय वाइब्रेशन करके, श्वास लेते और बाहर निकालते समय वाइब्रेशन करके आवाज उत्पन्न करना। अब दोस्तों ये देखिए आगे पढ़ते हैं श्वसन नली। श्वसन नली क्या होती है, ट्रेकिया जिसे बोलते हैं, ट्रेकिया होती है देखिए दोस्तों ये वाली, ये होती है श्वसन नली। ये बात है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। पहले अपन ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में ही बात करेंगे। तो ऊपरी श्वसन तंत्र तक, यहां तक स्वर यंत्र तक के भाग आते हैं। इसके बाद में जो बच्चे हैं वो भाग होते हैं निचले श्वसन तंत्र में। कौन कौन से आइए उनको भी देखते हैं एक बार। श्वसन नली जो फेफड़ों के अंदर आ रही है, ये नली का ये श्वसन नली यहां से बटने के बाद इधर आ गई, इनको बोलते हैं अपन ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी। ये श्वसन नली हो गई,
इसके बाद में जो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने के बाद इस नली का नाम होता है श्वसनी, और यह नली आगे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं श्वसनिका और फेफड़े। दोस्तों ये है फेफड़े। मनुष्य में दो फेफड़े होते हैं, मनुष्य में दो फेफड़े होते हैं, एक दाया और एक बाया। दोस्तों बाया फेफड़ा है दाएं फेफड़े से छोटा होता है। देखिए ये लेफ्ट साइड का फेफड़ा है ये छोटा है, क्योंकि हृदय का 2/3 भाग इस तरफ होता है और 1/3 भाग इस तरफ होता है, इसलिए यह थोड़ा छोटा होता है। यह चौड़ाई में थोड़ा अधिक होता है राइट साइड वाला फेफड़ा, लेकिन लेफ्ट साइड वाला फेफड़ा चौड़ाई में थोड़ा कम और लंबाई में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब दोस्तों फेफड़े के बारे में आप समझ गए। आगे देखो कुपिकाए। कुपिकाए क्या होती है? ये देखो दोस्तों ये गोल गोल दिखाई दे रहे हैं जो छोटे छोटे गेंद के आकार के होते हैं, इनके अंदर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है और श्वास छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड वापस मुंह से या नाक से बाहर आ जाती है। इसके अंदर शिराएं और धमनियां होती है जो हृदय से जुड़ी हुई रहती है और वह अंदर प्रवेश करती है फेफड़ों के अंदर, और ये कुपिकाओं से जुड़ी हुई रहती है। शिराएं होती है जो पल्मोनरी शिराएं या फुफ्फुसीय शिराएं होती है वो ऑक्सीजन को हृदय तक ले जाती है, और दोस्तों जो पल्मोनरी धमनियां होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं तक लाती है, और यहाँ जो रक्त के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर होने के बाद यह पल्मोनरी शिराओं द्वारा हृदय तक चला जाता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं एक एक भाग की। सबसे पहले नाक। देखिए दोस्तों ये होता है यहां से नाक, ये होता है नाक। नाक का कार्य प्राथमिक रूप से श्वास लेना होता है, और नाक का सहायक है वो कौन होता है? वो होता है मुख। अगर नाक किसी कारणवश कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे सर्दी जुकाम होने से अपने नाक बंद हो जाते हैं, तो अपन मुख द्वारा सांस ले सकते हैं। नाक की बात करते हैं दोस्तों, नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो किस कार्य आते हैं? उनका भी कोई कार्य है, और शरीर में प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य होता है। तो दोस्तों नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो बाहर से हम अगर श्वास ले रहे हैं तो उसके अंदर धूल के कण होते हैं और भी कई जीवाणु होते हैं, तो उनको वह रोक देता है और श्वास को फिल्टर करके अंदर भेजता है, ऑक्सीजन को थोड़ा साफ करके अंदर भेजता है, और यहाँ पे जो गंदगी जमा होती है उनको हम धोकर साफ कर सकते हैं। दोस्तों अगर नाक से अपन श्वास ले रहे हैं और मुख से श्वास ले रहे हैं तो इनके अंदर मुख्य अंतर यही है कि नाक से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाती है और मुख से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, क्योंकि मुख से श्वास लेने पर धूल के कण विषैले जीवाणु भी श्वास के साथ अंदर जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मुख की। मुख द्वितीय अंग या नाक का सहायक अंग श्वास लेने में सहायता करता है। दोस्तों मुख के बारे में पूरी डिटेल मानव तंत्र के पिछले वीडियो में बता दी गई है, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुख के बारे में गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सी शेप उपास्थि की। ये क्या होती है? ये होती है कार्टिलेज, कार्टिलेज उपास्थि। देखो दोस्तों ये दिखाई दे रही है, ये सी आकार की होती है। उपास्थि 5 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर जो उपास्थि है वह सी शेप में होती है। उपास्थि एक लचीली हड्डी होती है जो उत्तकों से बनी हुई होती है, जिसको तोड़ा भी जा सकता है। दोस्तों सी आकार की उपास्थि का कार्य क्या है? यह श्वस नलिका को चिपकने नहीं देती। अब दोस्तों अपन बात करते हैं नासाग्रसनी की। नासाग्रसनी का भी अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जिक्र है, और वहां पे आप इसको पढ़ सकते हो। अब दोस्तों नासाग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। पहली होती है नासाग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। पहली होती है नाक ग्रसनी, दूसरी होती है मुख ग्रसनी, और तीसरी होती है कंठ ग्रसनी। नाक ग्रसनी द्वारा नाक द्वारा सांस लिया जाता है, ये मुख की ग्रसनी या वाही का होती है, और कंठ जो गले में होती है। यहां पे दोस्तों एक आता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस होता है उत्तकों से बना ढक्कन,
इसका क्या कार्य है? इसका कार्य होता है इपिग्लोटिस यहां पे होता है, देखिए इस प्रकार से ये एक ढक्कन सा बना हुआ होता है जो भोजन को आहार नाल में भेजता है और श्वास को श्वास नाल में भेजता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्वर यंत्र की। स्वर यंत्र की स्थिति देखिए दोस्तों, ये स्वर यंत्र यहां पर होता है, स्वर यंत्र यहां पर होता है और ये कंठ ग्रसनी के नीचे और श्वास नलिका के ऊपर होता है। तो दोस्तों सी शेप कार्टिलेज हुई ये और स्वर यंत्र हुआ यहां पर। स्वर यंत्र की स्थिति मुख्यतः एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो इसका आप ध्यान रखना ये कंठ ग्रसनी से नीचे और श्वास नलिका के ऊपर होता है। अब अपन बात करते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया होती है श्वास नली, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। जो श्वास नलिका होती है वह लगभग 25 सेंटीमीटर नलिका होती है। दोस्तों श्वास नलिका का कार्य है श्वास को फेफड़ों तक पहुंचाना और ये होता है वक्ष स्थल। वक्ष स्थल का मतलब निचला भाग, ये होता है निचला भाग। इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं लोअर सिस्टम में, ये होता है निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में यहां से जो अंग नीचे है वो आते हैं। देखो दोस्तों निचले श्वसन तंत्र की अपन बात करते हैं तो अपन ने श्वास नली को अच्छे से पढ़ा। इसके बाद में देखो दोस्तों वक्ष स्थल यानी निचले भाग से यह दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक तरफ दाई साइड और एक तरफ बाई साइड चली जाती है। दोस्तों ये दाई साइड देखो इस प्रकार से, दाई साइड ये है बाई साइड ये, इस प्रकार इस तरफ का फेफड़ा है जो बड़ा होता है और इस तरफ का फेफड़ा है जो छोटा होता है और यह हृदय के कारण छोटा होता है। देखो दोस्तों इस तरफ आने पर इनको लोब या खंड बोला जाता है, इनको लोब या खंड बोला जाता है जिनको ब्रोंकाई भी बोलते हैं। दोस्तों ब्रोंकाई यानी श्वसनी फेफड़ों के अंदर श्वास नलिका प्रवेश करती है तो उसको बोलते हैं श्वसनीय ब्रोंकाई। अब अपन बात करते हैं ब्रोंकाई से आगे के भागों की। दोस्तों ब्रोंकाई से आगे के भाग होते हैं श्वसनिका। श्वसनिका क्या होती है? जब ये ब्रोंकाई आगे अगर और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, देखो यहां से एक आ रही है लेकिन आगे तीन भागों में बट गई। देखो दोस्तों ये तीन भागों में, ये दो भागों में बटी है इसको भी जानते हैं, यह फेफड़ा बड़ा होता है यह फेफड़ा छोटा होता है आपको पता है। देखो दोस्तों ये छोटा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर केवल दो ही खंड होते हैं या दो ही ब्रोंकाई होती है और इस तरफ यह तीन खंडों में विभक्त होता है और इधर तीन ब्रोंकाई होती है। यह फेफड़ा वजन में थोड़ा भारी होता है और यह फेफड़ा वजन में थोड़ा हल्का होता है। इसका वजन लगभग 23 ओस या 640 ग्राम के लगभग होता है। इधर की बात करें तो यह फेफड़ा लगभग 19 ओस का होता है अर्थात 538 के लगभग या 538 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। आया दोस्तों समझ में? अब अपन बात करते हैं श्वसनी। श्वसनी का क्या होती है? जो ये ब्रोंकाई ये आगे अगर छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है इसे बोलते हैं ब्रोंकियोल, यही होती है श्वसनी का। अब दोस्तों इसके आगे देखो ये लाल लाल जो गेंद आकार की दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है? इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। दोस्तों ये क्या होती है? इनको हिंदी में कुपिकाएं कहा जाता है। देखो दोस्तों ये होती है एल्वियोलाई और जो श्वसनी का होती है ये होती है रिब। रिब की बात अपन बाद में करेंगे, फेफड़े तो आप जानते ही हो, ये पूरे फेफड़ों की बात कर रहे हैं अपन। अब देखो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कुपिकाओं की। इनका आकार कुछ एक बार वहां देखिए आप, इस प्रकार से होती है। इनका आकार कुछ ऐसे होता है, इनके अंदर जैसे ये आ रही है वो होती है धमनियां और वापस शुद्ध रक्त को ले जाने वाली ये होती है शिराए। यहां दोस्तों इन दोनों के मध्य पतली झिल्ली होती है जो ब्लड CO2 युक्त आता है उससे CO2 यहां से बाहर आ जाती है और इसके अंदर O2 है वो चली जाती है। यहां पे अपन श्वास लेते हैं
तो वो श्वास इन कुपिकाओं में आकर ऐसे ये फूल जाती है तो अपने फेफड़े ऐसे बड़े होते हैं और फिर अपन जैसे श्वास को छोड़ते हैं तो वापस थोड़े सिकुड़ जाते हैं। वो इन्हीं का कार्य है फेफड़ों को बढ़ाना और सिकुड़ना। अब दोस्तों अपन बात करते हैं रिब की। दोस्तों अगर रिब ये होती है पसलियां, अगर आपको पूरे शरीर की पसलियां हड्डियों को जानना है कि कौन सी हड्डी किस प्रकार से है तो उसका भी वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, उसका नाम है कंकाल तंत्र। अपन बात करते हैं रिब्स की। देखो दोस्तों ये यहां से रिब्स होती है इस प्रकार, ऐसे ये होती है रिब्स यानी कि पसलियां। पसलियों की कुल संख्या 12 राइट में और 12 लेफ्ट में, तो पसलियों की कुल संख्या 24 होती है। पसलियों का कार्य होता है फेफड़ों को बाहरी चोटों से सुरक्षा करना। अब दोस्तों आगे अपन बात करते हैं मध्य पेट की। ये मध्य पेट क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायाफ्राम। इसका कार्य थोड़ा उल्टा होता है और यह मुख्यतः इसका कार्य यह है कि यह फेफड़ों को नीचे लटकने से सहायता करती है। अगर अपन श्वास लेते हैं तो फेफड़े थोड़े नीचे लटक जाते हैं तो उसी से यही अपनी सहायता करती है। यह भी एक पतली झिल्ली से बनी हुई होती है, इसको मध्य पेट कहा जाता है। और जो फेफड़ों से नीचे का भाग होता है उसको एब्डोमिनल बोलते हैं। दोस्तों जब ये डायाफ्राम फूलता है तो ये थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। अगर ये थोड़ा फूला तो देखो दोस्तों ये यहां तक हो जाएगा इस प्रकार से। दोस्तों अगर ये यहां तक हुआ तो फेफड़े कुछ ऊपर जाएंगे, मतलब फेफड़े क्या हुआ, संकुचन हुआ, यानी कि डायाफ्राम का फैलना हुआ और फेफड़ों का संकुचन हुआ। और फेफड़ों का जैसे संकुचन होगा वैसे श्वास बाहर चला जाएगा और जैसे ही डायाफ्राम वापस नीचे गया सिकुड़ा तो फेफड़े नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो अपने द्वारा श्वास वापस अंदर ली जाएगी और अपन श्वास लेकर फेफड़े को फुला लेंगे। यह अपने आप होने वाला कार्य होता है। दोस्तों फेफड़े के बारे में कुछ और जानते हैं। फेफड़ों के अंदर जो ये कुपिकाएं होती है ये करीब 30 मिलियन कुपिकाएं होती है, इनकी संख्या 30 मिलियन तक होती है। और दोस्तों फेफड़े होते हैं वो स्पंजी ऊतकों से बने हुए होते हैं। अब अपन जानते हैं थोड़ा श्वसन के बारे में। श्वसन तंत्र है उनको दो भागों में विभाजित किया गया, ये आपको बता दिया गया, ऊपरी श्वसन और निचला श्वसन। लेकिन श्वसन दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक श्वसन और एक बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन कैसे होता है और आंतरिक श्वसन कैसे होता है इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों बाह्य श्वसन, पहले हम आउटर रेस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं। बाह्य श्वसन कैसे होता है आपको पता है, वायुमंडलीय दाब होता है। अगर अपन ने श्वास बाहर निकाल दिया तो अपने शरीर के अंदर वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब नहीं रहेगा, जबकि थोड़ा कम हो जाएगा। तो वायुमंडल का दाब अधिक है तो वायुमंडल से जो गैस है वह कम दाब की ओर आएगी और दाब को बराबर करने की कोशिश करेगी। तो बाह्य श्वसन में अपन जो बाहर की गैस को अंदर लेते हैं दाब को स्थिर रखने के लिए, तो उसे कहते हैं बाह्य श्वसन। अब अपन बात करते हैं आंतरिक श्वसन की, वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या होता है आंतरिक श्वसन? आंतरिक श्वसन फेफड़ों के अंदर, जब फेफड़ों के अंदर अपन यहां से लेते हैं O2, O2 फेफड़ों के अंदर गई, सॉरी दोस्तों CO2 मैंने लिख दिया, O2 यहां से अपन ने नाक द्वारा सांस लिया और ये फेफड़ों के अंदर गया। यहां कुपिकाओं में CO2 बाहर आ गई, बाहर आने के बाद आंतरिक श्वसन प्रारंभ होता है। वो कैसे होता है, यहां से जो पल्मोनरी शिराएं हैं वो जाती है हृदय में, हृदय में जाने के बाद यहां हृदय में ये आ जाता है शुद्ध रक्त के साथ ऑक्सीजन, फिर वो महाधमनियों द्वारा, यहां से महाधमनियां निकलती है और महाधमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों तक रक्त के साथ ऑक्सीजन पहुंचती है, क्योंकि कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा उनको कैसे मिलती है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उनको ऊर्जा मिलती है और ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों आंतरिक श्वसन में जो फेफड़े के बाद में ऑक्सीजन वो हृदय तक जाती है, फिर हृदय से महाधमनियों द्वारा पूरे शरीर में जाती है रक्त के साथ, तो उसे कहते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में केवल
आंतरिक अंगिका में आते हैं, जबकि बाह्य श्वसन में वायुमंडल का भी कार्य होता है। दोस्तों इनमें से आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं उनको हम एक बार देखते हैं। दोस्तों ये ऐसे आ सकते हैं, देखो जैसे कि ये होता है बाया फेफड़ा, ये होता है दाया फेफड़ा। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा होता है उसमें कितने लोब या कितने खंड होते हैं, राइट साइड में कितने खंड होते हैं। तो दोस्तों ये लेफ्ट फेफड़ा होता है जो थोड़ा छोटा होता है राइट वाले से, तो इसमें दो खंड होते हैं और इसमें तीन खंड होते हैं। और इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये सी शेप में कार्टिलेज होते हैं, यानी कि जो सी शेप में सी आकार के जो उपास्थि होते हैं वो कौन से प्रकार के ऊतकों से बने हुए होते हैं, तो होते हैं सल्की ऊतकों से। सल्की उपास्थि या सल्की ऊतकों से बने हुए होते हैं। दोस्तों आहार नाली की लंबाई है, इसके पीछे आहार नाल होती है, तो उसमें होता है आहार नाल। आहार नाल की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। और जो ये श्वस नाल होता है इसकी होती है, श्वस नाल है इसकी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर तक। थोड़ी अगर बड़ी साइज के व्यक्ति होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं जो शरीर में हट्टे कट्टे पुरुष होते हैं उनकी थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ये भाग दे दिया कि नासा ग्रसनी, चार ऑप्शन दे दिए, तीन ये दे दिया और एक दूसरा दे दिया, बोलेगा कि इसमें से कौन सा नहीं होता कौन सा होता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो और एक एक भागों को जान सकते हो। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा श्वसन तंत्र। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।